हमेशा सिंह चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित हैं, जिसके फलस्वरूप आपके सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। साथ ही कोई परिजन आज आपसे नाराज भी हो सकते हैं। आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटनाएं हो सकती है। आज आपकी भावनाएं आप पर हावी हो सकती है, जिससे आपके काम बिगड़ सकते हैं, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। नए वाहन खरीदने का मन आपका बन सकता है। मकान भूमि का सुख भी मिल सकता है। जो जातक खेलकूद से संबंध रखते हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। महिला जातकों के लिए आज उन्नति का अच्छा अवसर भी बनेगा। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं। महिला जातकों के आय में वृद्धि होगी। विद्यार्थी की बात करें, जो जातक मेडिकल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का समय अच्छा रहने वाला है। सफलता उनको मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके सिर में दर्द रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य बढ़िया ही रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है, और यह आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा भी रहेगा। आज के दिन कुछ तला हुआ भोजन करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग नारंगी रंग, लकी नंबर रहेगा 4। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा तीसरे स्थान में विराजित हैं, जिसके फलस्वरूप आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। ऑफिस के कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। आज अगर आप अच्छी योजना बनाकर कड़ी मेहनत करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। धैर्य रखें, दिन भर आपका मन खुश रहेगा। संतान के तरफ से कुछ अच्छी खबर भी मिलेगी। आज अगर घर में कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलताएं भी मिलेंगी। व्यापार और धन की बात करें तो आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में भी तरक्की हो सकती है, लेकिन साथ ही ऑफिस में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वस्त्रों की खरीद में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो परिवार में खुशहाली का वातावरण भी बना रहेगा। विद्यार्थी की बात करें, जो तक मेडिकल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का समय अच्छा रहेगा। सफलताएं उनको मिलेंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। तले भुने और मसालेदार खानों से दूर रहें। प्रेम संबंध की बात करें तो अपने जीवन साथी की भावनाओं का आज ख्याल रखें। आज आपके जीवन साथी ज्यादा भावुक भी हो सकते हैं। आज के लोहे के बर्तन में खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग सभी प्रकार के चमकीले रंग, लकी नंबर रहेगा 5। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित हैं, जिसके फलस्वरूप आज किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं। आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। आज पूरे दिन आप अपने कार्य में व्यस्त भी रह सकते हैं। किसी फालतू के काम के कारण भी आपका समय बर्बाद हो सकता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें और अपना समय अपने कार्य क्षेत्र में लगावें। आज आपके लिए अनुकूल स्थिति बनी रहेगी। आज आप अपने मन की करने की कोशिश भी करेंगे। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में जोखिम लेने से आपको बचना होगा। किसी को अगर आपने पैसे उधार दे रखे हैं तो वहां से पैसे आपके मिल सकते हैं। जो जातक दलाली का काम करते हैं, उन्हें आज नुकसान हो सकता है। आज आपका खर्च आपके आय से अधिक हो सकता है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज दिन मध्यम रहने वाला है। मेहनत से कम आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें, किसी पुराने रोग से छुटकारा मिल सकता है आपको। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो आज अपने जीवन साथी के व्यवहार से सावधान रहें। अचानक से कोई प्रतिक्रिया ना दें, रिश्तों में इससे खटास उत्पन्न हो सकती है। आज के दिन अगर अरहर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग बैंगनी रंग, लकी नंबर रहने वाला है 3। बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने से बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज आप मधुरवाणी बोलिए, मीठा बोलिए, आपके सारे काम बनते रहेंगे। आज के दिन आपको अपने पिता का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपका मनोबल भी बना रहेगा। आज आपको सलाह दी जाती है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। किसी से भी अपने दिल की बात शेयर ना करें, खास करके ऐसी कोई बात जो आपको हानि पहुंचा सकता हो। व्यापार और धन की बात करें, आर्थिक दृष्टि से आज के दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज नए व्यापार के लिए भी अच्छा दिन है। व्यापार में आपको लाभ होगा, आमदनी आपकी बढ़ेगी, बचत भी आपकी आज बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज आपको आय के नए स्रोत विकसित करने में भी सफलता मिल सकती है। नए वस्त्र और आभूषण खरीदने के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन थोड़ा नकारात्मक रह सकता है। आपको आलस्य और निद्रा आ सकती है, तो आलस्य और निद्रा का त्याग करके अपने आप पर विजय प्राप्त करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान लगावें।
स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा डगमगा सकता है, तो उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी दूर हो सकती है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। आज के दिन मसूर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग भगवा रंग, लकी नंबर रहने वाला 4। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा 12वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज के दिन आप अपने करियर में बदलाव करने का विचार कर सकते हैं। आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाले दिनों में सफलता की प्राप्ति करवा सकता है। जो जातक मकान या भूमि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं उनकी खोज पूरी हो सकती है। आज पूरे दिन आप अपने पारिवारिक काम में व्यस्त भी रह सकते हैं। धार्मिक कार्य और पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा। कुछ समय का उपयोग आप पूजा पाठ के लिए भी कर सकते हैं। आज आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार और धन की बात करें तो कहीं पैसे निवेश करते समय आज के दिन थोड़ी सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। तो कहीं भी निवेश करना हो तो नियोजित ढंग से करें, बड़े बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की सलाह से करें। आज के दिन आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जमा किए हुए पैसों में कमी आ सकती है, लेकिन आय के स्रोतों में बढ़ोतरी भी संभव है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थीगण अपने बीते हुए समय में जितना भी मेहनत किए होंगे उनका फल उनको अब मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं उनका स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है, तो उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध की बात करें प्रेम संबंधों के लिए आज के दिन मध्यम रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कुछ हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य भी हो जाएगा। आज के दिन चावल अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करेंगे आप तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग, लकी नंबर रहने वाला 1। बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि में चंद्रमा 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, तो आपस में सामंजस्य बना के रखें। मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। आज आप अपने मन की बात किसी से शेयर ना करें। आज हो सकता है आपकी गतिविधियों पर कोई और भी नजर रख रहा हो, तो हर रोज की आदतों से बचें। माता पिता का आज आपको भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा। व्यापार और धन की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज के दिन सामान्य रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ भी मिलेगा। आपका आर्थिक बजट आज थोड़ा डगमगा सकता है, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ति भी जरूर होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। प्रेम संबंध की बात करें प्रेम संबंधों के लिए आज के दिन मिलाजुला रहेगा। जीवन साथी से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, तो आज के दिन थोड़ा संभल कर बोलें, मधुरवाणी बोलें, विवादों से भी बचें। आज के दिन चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग ब्राउन कलर, लकी नंबर रहने वाला 7। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में चंद्रमा 10वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आपकी रहन सहन की स्थिति में सुधार आ सकता है। कुछ सामाजिक कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आप अपना काम जितनी भी विनम्रता से करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखें, किसी से वाद विवाद भी हो सकते हैं। आपके यहाँ किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है। आपके बच्चों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी आज मुलाकात संभव है। लंबी यात्रा करने से बिल्कुल बचें। व्यापार और धन की बात करें आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही खर्च भी आपके बढ़ेंगे। आपके बचाए हुए पैसों में कमी आज आ सकती है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को आज थकान और आलस्य महसूस हो सकता है। इन दोनों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें, सफलता तभी मिलेगी आपको। स्वास्थ्य की बात करें तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट संबंधी छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित रह सकते हैं। गैस हो सकता है तो बाहर के खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताएं, कहीं घूमने जाएं, इससे आपके संबंध बेहतर होंगे। आज के गेहूं से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग भगवा रंग, लकी नंबर रहने वाला 6। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में चंद्रमा 9वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और आप इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी का निर्वाह भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आसपास के लोग आपकी तारीफ करेंगे। मकान या काम करने के जगह के विषय में बदलाव का मन आपका हो सकता है। आपका आज पूजा पाठ में भी मन लगेगा। वाहन या जमीन खरीदने के योग भी बन सकते हैं। आज आप मानसिक शांति का अनुभव भी करेंगे।
जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार या नौकरी में आपको आज फायदा होगा। कहीं अगर आपने अपने पैसे निवेश कर रखे हैं तो फायदे वहां से भी हो सकते हैं आपको। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है। कुछ अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें सांस से संबंधित कोई बीमारी या मौसमी रोग आपको परेशान कर सकता है तो सावधान रहें। आज आपकी मानसिक शांति भी अस्थिर रह सकती है, किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। प्रेम संबंध की बात करें प्रेम संबंधों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव या विवाह के योग आज बन सकते हैं। आज के दिन चावल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग, लकी नंबर रहने वाला 9। बात करेंगे अब धनुराशि की। धनुराशि में चंद्रमा 8वें स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप बात करने की आपकी कला से आपके रुके हुए बिगड़े हुए और फंसे हुए कार्य बन सकते हैं। सीधी बात कहेंगे तो आपको फायदा होगा। नए कामकाज की प्लानिंग हो सकती है। आज के दिन किसी दस्तावेज पर अगर हस्ताक्षर करते हैं तो सोच समझ कर करें। परिवार या फिर पैसे जुड़ी परेशानी आ सकती है, मन में घबराहट रह सकती है, विवादों से आपको बचना चाहिए। बात करेंगे व्यापार और धन की। व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकता है, खर्च में आपकी बढ़ोतरी भी हो सकती है, पैसे की दिक्कत बनी रह सकती है। बात करेंगे विद्यार्थी की। विद्यार्थियों के लिए आज कुछ सीखने का अच्छा अवसर बनेगा। वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य की बात करें मानसिक अशांति बनी रह सकती है, किसी प्रकार की चिंता रह सकती है, थकान और आलस्य भी बना रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें जीवन साथी के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा। जीवन साथी से सम्मान और प्यार की प्राप्ति भी होगी। आज के दिन मूंग की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग भगवा रंग, लकी नंबर 4 रहने वाला है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि में चंद्रमा 7वें स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप आज आप अपने कार्यों को करने में व्यस्त रहेंगे। आज आप पर काम का लोड भी ज्यादा रह सकता है। आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, यह क्रोध आपको हानि करा सकता है। बेरोजगार जातकों को किसी मित्र के सहयोग से नौकरी लग सकती है। परिवार के किसी विशेष चिंता का समाधान संभव है। सरकारी कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। व्यापार और धन की बात करें व्यापार में नई योजना बन सकती है जिससे आपको फायदा होगा। आज आप लेन देन में सावधानी बरतें। निवेश अगर करना है तो किसी अनुभवी लोगों की सलाह विचार से ही करें। विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। कुछ विद्यार्थी आज अपने परीक्षा परिणाम से असहमत भी रह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें सांस से संबंधित कुछ परेशानी रह सकती है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो अपने जीवन साथी से अनबन की संभावना बन रही है तो अपने आप पर नियंत्रण रखें, संबंध अच्छे बना के रखें। आज के दिन चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग, लकी नंबर 5 रहने वाला है। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में चंद्रमा 6वें स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप आज आपके कोई राज सार्वजनिक हो सकते हैं तो सचेत रहें। आज किसी पर आक्रामक होने के बजाय शांति से काम लें। आपके दोस्तों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है। आज वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। व्यापार और धन की बात करें आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। बच्चों से जुड़े मामले में पॉजिटिव रहेंगे तो आपको फायदा होगा। व्यापार में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी कॉमर्स के फील्ड के हैं उन्हें मेहनत से ज्यादा फल की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें महिला जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको। प्रेम संबंध की बात करें अपने जीवन साथी को समय दे पाएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा भी रहेगा। आज की मसूर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग सुनहरा रंग, लकी नंबर 9 रहने वाला है। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में चंद्रमा 5वें स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप आज आप घर तथा ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपका ज्यादातर समय आपके शुभचिंतकों के साथ बीतेगा। किसी से कुछ उपहार की प्राप्ति हो सकती है। कहीं यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं। किसी पर भी अपनी बातें थोपने की कोशिश ना करें, यहां से आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार और धन की बात करें आज आपको व्यापार में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। बड़े निवेश करने से बचें। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज दिन अच्छा रहने वाला है। नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी बन सकती है। उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपकी आय में वृद्धि भी होगी।
विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज के दिन सामान्य रहने वाला है। मेहनत करें, सफलता की प्राप्ति आपको होगी। स्वास्थ्य की बात करें, पेट से संबंधित कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज मसालेदार खाने और बाहर के खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके काम भी बनेंगे। आज दिन अरहर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग, लकी नंबर रहेगा 8।